अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बीए इंग्लिश थर्ड ईयर। पोइट्री की जो सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, आज उसमें पोएम नंबर जो 12 है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और पोएम का नाम है जी अ पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री, जहर आलूद या जहरीला दरख्त। और लिखी किसने है जी? विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक, इसको विलियम ब्लैक नहीं कहना, विलियम ब्लेक ने लिखी है। तो इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि ऐसी फीलिंग्स जो अनएक्सप्रेस्ड रहती हैं, जिनका इजहार ना हो, तो डेट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पॉइजन। यानी वो जज्बात, वो फीलिंग्स जो हम किसी के खिलाफ रखते हों, अगर हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, अनएक्सप्रेस रहती हैं, तो वो फीलिंग जो है वो फिर इंसान के अंदर जहर का एक जो बीज है वो बो देती हैं। और उस सीड से फिर एक प्लांट, और प्लांट से फिर एक पावरफुल ट्री बनता है। और ट्री वो हो सकता है एप्पल का हो, और उसके ऊपर फिर फल भी लगेगा, तो जो कोई भी वो फल खाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब इसके दो मतलब हैं। एक तो ये है कि अगर हम किसी के खिलाफ किसी का बुरा सोचते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो मुनाफ़कत है, वो हमारे लिए भी ख़तरनाक है। और दूसरी ये है कि अगर हम जिसके बारे में वो फीलिंग्स रख रहे हैं, अगर वो हमारे ऊपर रिलाई कर रहा है, और यानी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको चीट कर रहे हैं, तो फिर वो जो बेचारा, वो जो सेकंड पर्सन है, वो उन्हीं जो फीलिंग्स हैं, वो जो मुनाफ़कत की फीलिंग्स हैं, वो जो नफ़रत की फीलिंग्स हैं, गम व गुस्से की फीलिंग्स हैं, वो उन्हीं का शिकार हो जाता है, और उसकी जो है वो डेथ हो सकती है, वो मर सकता है। यानी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन हमने उसके ट्रस्ट को मिसट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। वो हमें अपना फ्रेंड समझ रहा है, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग हिम आवर फ्रेंड। हम उसको अपना फ्रेंड नहीं समझ रहे, हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि मुनाफ़िकत की हैं, नफ़रत की हैं, ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा आगे में और बढ़ाऊँ, जो एनवी है, जो क्या उसको कहते हैं कि जो हसद है, वो जो फीलिंग्स होती हैं वो इंसान को खा जाती हैं, इंसान को अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म कर देती हैं। चाहे वो हम हों या जिसके खिलाफ हम कर रहे हों, वो दोनों के लिए जो है वो डिस्ट्रक्टिव हैं, तबाहकुन है। तो ये जो पोएम है अ पॉइजन ट्री, एक जहर आलूद या जहरीला दरख्त जो है, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इसने उसने सिंबल लगा के बात की है। मसलन इसमें उसने इस पोएम के अंदर ही हैज़ यूज द सिंबल ऑफ एप्पल, ही हैज़ द यूज द सिंबल ऑफ प्लांट ट्री इन ऑर्डर टू कन्वे द मीनिंग्स। मीनिंग देने के लिए, किस चीज़ के मीनिंग, के इफ़ वी हैव एनी नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट एनीबॉडी एल्स, किसी के खिलाफ भी अगर हम कोई ऐसे मनफी प्रेपोगंडा या फीलिंग जो रखते हैं, तो उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए उसने मुख्तलिफ सिंबल लगाए हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस पोएम इज़ अ सिंबॉलिक वन। तो एज यूजुअल इसको हम रीड करेंगे, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, और उनके मीनिंग भी मैं यहाँ पे लिखूँगा, और उसके बाद जो लेक्चर टू होगा इस पोएम के बारे में, उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं उसका हम जो है वो ज़िक्र करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ जी। अ पॉइजन ट्री, विलियम ब्लेक। तो फर्स्ट स्टैंजा है, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड। हुआ यूं कि वंस द पोएट वॉज एंग्री विद हीज फ्रेंड, कि एक दफ़ा वो अपने दोस्त के साथ नाराज़ था। अब यहाँ पे उसने फ्रेंड का वर्ड यूज़ किया है। आई टोल्ड माई राथ, मैंने उसको बता दिया। अब राथ का मतलब क्या है? WRATH। राथ का मतलब होता है
फीलिंग्स ऑफ एंगर, यानी मैंने उसको अपने गुस्से के बारे में बता दिया, मतलब यह कि उसकी कोई बात मुझे बुरी लगी और मैंने उसको बता दिया भाई आई डोंट लाइक दिस। तो इससे क्या हुआ, माई रात डिड एंड, मेरा जो गुस्सा है, मेरी जो फीलिंग्स ऑफ एंगरनेस हैं वो ख़त्म हो गई, वो एंड हो गया। डिड एंड का मतलब है कि वो ख़त्म हो गई। बट आई वॉज एंग्री विद माई फो, फो एफ ओ ई, फो, फो का मतलब एनिमी है, एनिमी मतलब के दुश्मन। और फो का मतलब ये भी हो सकता है कि वो सेकंड पर्सन जो है वो पोइट को अपना जो है वो दोस्त समझ रहा हो, लेकिन पोइट जो है वो उसको अपना दुश्मन समझ रहा हो, ये भी फो का मतलब है, ठीक है। क्योंकि एनिमी जो है वो तो क्लियर होता है कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन फो जो है इसमें थोड़ा सा ये एम्बिगुअस मीनिंग है, इसमें थोड़ा सा अबहाम है कि फो का मीनिंग ये लिया जाता है कि एक बंदा ट्रस्ट कर रहा होता है दोस्त समझ के, लेकिन दूसरा जो है वो उसको उसके ट्रस्ट को जो है वो ब्रेक कर रहा होता है, वो उसको अपना दुश्मन समझ रहा होता है, ठीक है, यानी वो उसके साथ चीटिंग कर रहा होता है। तो फो का मतलब यहाँ पे ये है, आई वॉज एंग्री विद माई फो, मैं अपने फो के साथ, अपने दुश्मन के साथ, ठीक है, उसके साथ एंग्री था, नाराज था। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने अच्छे नहीं समझा कि इसको बताऊं, द रीज़न ऑफ एंगरनेस, ठीक है ना, मैंने उसको ये बताना ही नहीं समझा, मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं इसके सामने ये चीज़ एक्सप्रेस करूं। माई रॉथ डिड ग्रो, डिड ग्रो, हिज एंगरनेस मल्टीप्लाइड, उसका जो गुस्सा है वो ग्रो कर गया, ग्रो का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। स्टूडेंट, इस स्टैंजा के अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और वो इफेक्ट क्या है कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनीथिंग, द थिंग ऑफ विच वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस डैट लूजेस इट डेंसिटी, उसकी शिद्दत कम हो जाती है अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं, बट इफ़ वी डोंट एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ दैट थिंग ऑफ दैट ग्रीफ दैट मिसट्रस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर हम किस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, उसका इजहार नहीं करते हैं, तो वो उसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा ही होता जाता है, और अल्टीमेटली वो वॉलकैनो की तरह एक चीज़ फट पड़ती है और वो जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी, जिसके अंदर ये फीलिंग है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी और जिसके ख़िलाफ़ वो कर रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बात उसने सिर्फ इतनी की है कि वंस ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड, ही एक्सप्रेस्ड हिज एंगरनेस एंडेड, एंड वंस ही गॉट एंग्री विद हिज फो, ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट, दैट्स वाई हिज एंगरनेस मल्टीप्लाइड, ठीक है। अच्छा, अब वो जो एक एक किस्म की उसने फीलिंग को नॉरिश कर लिया है, एक जो नेगेटिव फीलिंग उसने बना ली है और उसको एक्सप्रेस भी नहीं किया है, तो वो समझ लें कि ही हैज सोन अ सीड ऑफ पॉइजनस ट्री, उसने अपने अंदर उस जहरीले दरख्त का जो बीज है उसको सो कर लिया, उसको बो लिया है। एंड आई वॉटेड इट इन फियर्स, और उस पौधे के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसको नर्श करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए फिर हवा भी चाहिए होती है, फिर पानी भी चाहिए होता है, सनशाइन भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें वो सिंबल लगा के, मुख्तलिफ चीज़ों के सिंबल लगा के हमें समझा रहा है। एंड आई वॉटेड इट इन फियर्स, और मैंने उसको खतरात का पानी दिया, खौफ का पानी दिया, वो जो बीज मेरे अंदर गम गुस्से का, हाइपोक्रेसी, मुनाफ़त का लग गया था, मैंने उसको बढ़ावा दिया, उसको बढ़ाता ही गया, उसको मल्टीप्लाई करता गया, और मैंने उसको पानी भी लगाया, खतरात का पानी, खौफ का पानी लगाया। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और मैंने गम के, गुस्से के, मुनाफ़त के आंसू बहाए, मैंने चीट करना शुरू कर दिया, और सुबह शाम ये प्रोसेस जो है वो चलता रहा।
एंड आई सनड इट, सनड, सन का मतलब होता है सूरज, ठीक है, ये नाउन है। अगर इसको वर्ब यूज करें तो एक एन और डाल लें और आगे ईडी लगा लें, सनड। टू शावर सनशाइन, यानी धूप लगाना, सनड। एंड आई सनड इट विद स्माइल्स, और मैंने फेक स्माइल्स, क्योंकि चीट कर रहा है ना, चीट कर रहा है, और मैंने उस पौधे को, उस बीज को धूप लगाई, धूप दी, कौन सी मकाराना जो धोखे वाली स्माइल्स हैं, फेक स्माइल्स की धूप लगाई। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल, डिसीटफुल धोखा, धोखे देने वाली, दैट आर बेस्ड ऑन चीटिंग, डिसीटफुल, डी ई सी ई आई टी एफ यू एल, डिसीटफुल का मतलब है बेस्ड ऑन चीटिंग, यानी धोखे वाली। और वाइल्स का मतलब है ट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि चाल चलना, चालें चली उसके साथ, मैंने उसके उसके साथ जो है वो चीटिंग की, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसकी जो फीलिंग्स है उसका उसका जो है उसका मजाक उड़ाया। एंड इट ग्रू, अब डेफिनेटली व्हेन अ प्लांट, व्हेन अ ट्री हैज़ एवरीथिंग, सनशाइन, एयर, वाटर, तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा, फिर उसकी नुशनुमा जो है ग्रोथ होगी। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और ये जो मेरे अंदर हाइपोक्रेसी, मुनाफ़कत, गुस्से, मिसट्रस्ट, उसका जो एक पौधा लग गया था, जो बीज मैंने बो दिया था, वो फिर वो जो प्लांट है वो सुबह शाम उस पर इजाफा होना शुरू हो गया। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, एप्पल ब्राइट, एप्पल स्टूडेंट ये सिंबल है, एप्पल का मतलब वैसे सेब है, लेकिन यहाँ इस पोएम के अंदर इसका मतलब है एन एप्पल डेट इज फुल ऑफ पॉइजन, डेट इज फुल ऑफ पॉइजन, यानी मैंने वो जब बढ़ता गया तो फिर क्या हुआ कि वो एप्पल ट्री था, एप्पल ट्री के ऊपर एक एप्पल लग गया और वो पॉइजनस था। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर टिल इट हैड, बोर का मतलब क्या है, इसके ऊपर लग गया, इट बोर एन एप्पल ब्राइट एंड माई फो बी हेल्ड इट शाइन, बी हेल्ड, ये बीहोल्ड की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट, बी हेल्ड, बी एच ई एल डी, ये बीहोल्ड का मतलब होता है देखना, तो बी हेल्ड सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होगी, तो इसका मतलब है लुक्ड, ठीक है। एंड माई फो, और मेरा जो दुश्मन था, बी हेल्ड इट शाइन, उसने इसको देखा कि ये चीज जो है, ये जो एप्पल है, डेट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये इस चीज का भी हमें पता इस लाइन से चलता है कि ये जो मुनाफ़कत होती है, ये जो हाइपोक्रेसी होती है, मिसट्रस्ट होता है, एनवी होता है, हसद होता है, बैक बाइटिंग होती है, टेलिंग द हैबिट ऑफ टेलिंग द लाइज, ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी शाइन देती हैं, शाइन का मतलब है कि इनमें बड़ी एक लज्जत है, टेस्ट है, ठीक है। तो उसके दोस्त ने भी वो जो एप्पल था डेट वॉज फुल ऑफ पॉइजनस, फुल ऑफ पॉइजन इनसाइड, जो अंदर से जहर से भरा हुआ था, वो ऊपर से बड़ा खूबसूरत लग रहा था, डेट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल अपेरेंटली, वो ऊपर से बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड ही न्यू डेट इट वॉज माइन, और जो दुश्मन था, जो फो था, उसने कहा कि अगर ये मेरे दोस्त का है तो ये फिर मेरा ही हुआ, इट वॉज माइन। एंड इन टू माई गार्डन स्टोल, स्टील
स्टूडेंट, स्टील जो होता है ना, स्टील, स्टील फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे उसने स्टोल लिखा है, STOLE, स्टोल इनटू। स्टोल इनटू का मतलब है टू एंटर सीक्रेटली, टू एंटर, टू एंटर सीक्रेटली, यानी किसी के घर में किसी जगह पे चुपके से दबे पांव दाखिल होना, सीक्रेटली बड़े राज से, तो उसको कहते हैं जी स्टोल इनटू। एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, और वो मेरे बाग में चुपके से आया, वो जो एनिमी है, वो जो फो है। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात छा गई थी, व्हेन इट वाज नाइट टाइम, डार्कनेस डार्कनेस प्रिवेल्ड ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर जो है वो अंधेरा छा गया। वेल का मतलब स्टूडेंट VEIL, अच्छा वेल का मतलब कवर करना होता है, वेल का मतलब नकाब करना, पर्दा करना भी होता है, ढांपना भी होता है। यहाँ पे उसने वेल्ड लगाया है, वेल्ड, ठीक है ना, कवर्ड, कवर्ड। अच्छा उसके बाद फिर इसमें जिक्र उसने किया है जी वेल्ड द पोल, 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 जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, यानी लेट्स सपोज के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इधर पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो दिन है, तो इसी बिल्कुल इसी टाइम जो वहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो है वो रात होगी, ठीक है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है वो टाइम ज़रा मुख्तलिफ होता है, सही। तो ये दुनिया को डिवाइड किया गया दो पोल्स के अंदर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब ये है कि जब इस पूरी लाइन का मतलब है व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, व्हेन इट वाज अ नाइट टाइम, जब रात हुई, द फो एंटर्ड इनटू माय गार्डन सीक्रेटली, वो चुपके से मेरे बाग में दाखिल हुआ, और डेफिनेटली उसने क्या किया, ही एट द एप्पल, वो सेब खा गया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह देखकर मैं बहुत खुश हुआ, ग्लैड, ठीक है, वेरी हैप्पी, मेरी खुशी की इंतहा ना रही। एंड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी माई फो आउट स्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, आउट स्ट्रेच्ड, आउट स्ट्रेच्ड वैसे तो फैलना होता है, आउट स्ट्रेच, STRETCHED, आउट स्ट्रेच्ड, आउट स्ट्रेच्ड, यहाँ इसका मतलब है लाइंग इन अ डेड पोजिशन, लाइंग इन अ डेड पोजिशन, के सुबह देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही, माई जॉयज न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी इंतहा को पहुंच गई जब मैंने देखा, माई फो आउट स्ट्रेच्ड बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे, उसी उसी पॉइजनस ट्री के नीचे, उसी पॉइजनस ट्री के नीचे वो एप्पल खा के, वो हाइपोक्रेसी का, मुनाफकत का शिकार हो के, यानी मेरी नेगेटिव फीलिंग्स का शिकार होकर, उसका विक्टिम बनकर, शिकार होकर, वो एप्पल ट्री के ऊपर लगा हुआ एप्पल खाकर वो सुबह उसी दरख्त के नीचे मरा पड़ा था। और जब मैंने उसे इस हालत में देखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी, द पोइट वॉज वेरी हैप्पी। मतलब यह है कि ये जो मिस्ट्रस होता है, मिस्ट्रस्ट जो बद एतमादी होती है, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो हाइपोक्रेसी होती है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसको उसको ख़त्म कर देती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम जो है ये पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।